बहुत दिनों बाद साईं बाबा के चरणों में थोड़ी सी शांति आज मैं ले रही हूँ। अभी मैं तैयार होने वाली हूँ और मैं जाने वाली हूँ दर्शन के लिए। अपना मोबाइल पोर्ट करवाऊँगी, मतलब वो यार एयरटेल के रेंज ही नहीं आते, वो मुझे चेंज करवाना है। और फिर मैं पारायण हॉल में जाऊँगी, साईं बाबा का चरित्र पढ़ूँगी। सबसे पहले तो कुछ खाऊँगी यार, भूख लगी है। और शांति से साईं बाबा के साथ पैरान हॉल में थोड़ा सा समय में आज दिन भर बिता सकती हूँ, बस कोई डिस्टर्ब ना करे। और कुछ दोस्त मिल जाते हैं यार, गप्पों में टाइम चला जाता है, मुझे वो नहीं पसंद। मुझे अकेले रहने में मज़ा आता है। और बस पीस, ये इसी पीस के लिए सोचो मुझे, ये तो मतलब ट्विन जर्नी ऐसी बन दिखाई गई है, बट द रियल फैक्ट इज डिवाइन फेमिनाइन ईश्वर के चरणों में ही उसको सुकून मिलता है। ट्विन विन कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है उसके लिए, वो सोचती ज़रूर है, बट द रियल फैक्ट इज उसको कोई कंफर्ट देता है तो उसका ईश्वर देता है। उसको बहुत कंफर्ट देता है, बहुत प्यार, बहुत रिस्पेक्ट। जो वो चाहती है वो उसको सिर्फ ईश्वर से ही मिलता है, यही इस जर्नी का सत्य है। बस सुकून चाहिए मुझे आज, मैं बहुत सुकून से रहना चाहती हूँ। पता है आपको, मैंने मार्च से साई चरित्र पढ़ा ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, खाना पकाना इम्पॉर्टेंट है, नहाना इम्पॉर्टेंट है, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, कोर्ट के लिए जाना इम्पॉर्टेंट है, किसी चीज़ को भी स्किप नहीं कर सकते। बस हमारा ईश्वर है, उसको हम स्किप करते हैं फिर भी वो हमारे साथ रहता है, हमारी केयर लेता है। कभी सेशंस शुरू है, अभी तो टैरो कार्ड रीडिंग्स के क्लासेस शुरू हो चुके हैं, हॉरोस्कोप रीडिंग के क्लासेस शुरू हो चुके हैं, एंजल थेरेपी के क्लासेस शुरू हो चुके हैं, रेकी के तो चलते ही रहते हैं, रेकी तो पर्सनल लेती हूँ मैं तो, ये हो रहा है, सारी चीज़ें पर्सनल लेती हूँ। कभी भी कोई आ जाता है, किसके लिए कोई रुकता नहीं। अगर हम उसको स्किप कर देते हैं वो किसी और के पास चला जाता है, तो एक भी आए तो भी मैं उसको सिखाती हूँ और अटेंड करती हूँ, सारे काम करती हूँ मैं। मुझे वो एग्ज़ाम्पल याद आ रहा है कि शाहरुख ने ना मन्नत ख़रीदा था, उसके पास उतना बजट नहीं था, फिर वो कोई भी ऐड कर लेता था, कुछ भी काम कर लेता। तो मेरे पास कोई भी काम आता है तो मैं उसको कर लेती हूँ। क्या करूँ। तो ये जगह चूज़ की मैंने रहने के लिए, ठीक है, अच्छी है, कंफर्टेबल है। और पहले जहाँ रहती थी वो ठीक नहीं लगता था, एरिया ठीक नहीं लगता था, रूम खुला खुला सा लगता था, बाथरूम पसंद नहीं आते थे मुझे। पर ये इतना ठंडा है कि मुझे तो लगा कोई निगेटिव एनर्जी तो नहीं। रात को मैंने धूप चलाई और मैं, देखो मुझे भी शर्म आती है बोलने में, बट जितने रोते रोते केसेस मेरे पास आए हैं, जो बोलते हैं कि मैम हमारा MMS बनाया गया या पता नहीं कैसे, बट हमारे साथ ये हुआ है कि हमारा शूट हुआ है नेक्ड, जिसमें वो नंगे दिख रहे हैं। देखो समय बदल चुका है, और कितनी भी प्रिंसेस हो, जैसे कि सीता थी वो तो प्रिंसेस थी और राजा की रानी थी, फिर भी उसके ऊपर क्या समय आया, रावण उठा के ले गया। तो ऐसे में औरतों को जो है, आज तो औरतें काम करती है, फॉरेन में जाती है, हॉस्टल में पढ़ती है, हर जगह रहती है, अकेले जाना पड़ता है, मजबूरी है, जाना ही पड़ता है। और ऐसे में क्या होता है कि कई समय कैमरे लगे हुए रहते हैं। तो और ये ट्रिक आपको बताती हूँ कि देखो, आजकल जो है ना रणवीर, आज ही मैंने न्यूज़ सुनी कि रणवीर ने जो नेक्ड वीडियो बनाया था या पिक्स खींचे थे, तो कोई और हीरोइन है उसने भी खींचे। हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि अब ये नेक्ड फैशन ही हो जाए। क्यों चाहती हूँ बताती हूँ, क्योंकि जो जिन लोगों का दोष नहीं है, जिन लोगों का दोष नहीं है, जिनके ऐसे फ़ोटो खींचे गए, जिनके ऐसे वीडियो बनाए गए, उनको बेकार में दुनिया के सामने, ना वो कैरेक्टरलेस है, ना उन्होंने किसी के साथ सेक्स किया है। देखो किया हो तो उनके वो पर्सनल लाइफ है, उसको भी पाप नहीं कहा जा सकता, बट बेवजह कुछ औरतों को ये सहना पड़ता है। कुछ सुसाइड कर लेती है, फिर कुछ मुंह दिखाने लायक नहीं रहती, कुछ समाज से कट ऑफ कर लेती है, किसी का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। क्यों, मतलब उनका क्या दोष है इसमें? अगर किसी लेडीज़ के ऊपर रेप भी होता है तो उसका क्या दोष है?
सीता को रावण उठा के ले गया, उसका क्या दोष था। तो जितनी हो सके देखो, ये हीरो हीरोइंस कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये भी डिवाइन फेमिनाइन से, ये यंग जनरेशन को आज़ाद रहने के तरीके खुद पहले अप्लाई करती है, धीरे धीरे वो समाज में फैलता है और बाकी औरतें भी जो है सम्मान के साथ आज़ादी के साथ रह सकती है, स्लीवलेस पहन सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो एक फिर भी अभी वो उतना ज़माना नहीं आया है और शायद थोड़ा टाइम लग जाए। इसके लिए बताती हूँ मैं हर लेडीज़ को, उनको जो है कभी भी देखो श्री कृष्ण ने कहा था जब औरतें जो है नंगा ही नहाने के लिए पानी में चली गई थी, तो श्री कृष्ण जो है उनके कपड़े लेकर पेड़ पे चढ़ गया और उनको बहुत अच्छा सबक सिखाया कि कभी भी नंगा नहीं नहाना चाहिए। तो किसी ने मतलब निकाला कि पानी में नंगा नहीं नहाना चाहिए क्योंकि देवी होती है ना नदी, यमुना देवी। तो मैं कहती हूँ ऐसा नहीं है, आपका कोई गलत फ़ायदा ना उठाए, गलत नज़र आपके ना ऊपर ना पड़े, जो आपके ऑरा को कमज़ोर करे, जो आपके जीवन को कमज़ोर करे। उस वक्त गलत नज़र होती थी, नज़र लग जाती थी डीमंस की भी, राक्षसों की भी। तो ये स्टोरी भी है ना कंस की, कंस की माता को जो है किसी उनके जो हस्बैंड के रूप में एक रावण आया, उनके साथ सेक्स किया और कंस का जन्म हुआ। तो ये भी एक स्टोरी है। तो बुरी नज़र ना पड़े औरतों के लिए, उन इसीलिए शायद उनका घूंघट लगाया जाता था, लेकिन आज ज़माना बदल चुका है, लेकिन डेमोनिक एनर्जी फिर भी है। तो इसीलिए शायद उनको पूरा नंगा होके नहीं नहाना चाहिए। तो इस कभी क्या होटल में कैमरे हो सकते हैं, कभी बाथरूम में कैमरे हो सकते हैं। तो आपको देखो फैशन तो आ चुका है, लोग इनर्स पे घूम रहे हैं, चड्डी पे घूम रहे हैं, ब्रा पे घूम रहे हैं। तो एटलीस्ट आपको नहाते वक्त कहीं भी आप जाओ, किसी के घर में जाओ, खुद के घर में, बाथरूम में, कहीं भी आपको जो है प्राइवेट कपड़े पहनकर, इनर्स पहनकर जो है नहाना चाहिए और उसके ऊपर ही पहले कपड़े पहन लेना चाहिए, बाद में पहले गीले कपड़े निकाल लेने चाहिए। तो यही एक तरीका हो सकता है, या आप गाउन पहनो फिर आप जो गीले कपड़े निकाल दो। गाउन भी जब आप उतारो तो मैं आपको बताती हूँ क्योंकि जो गांव की लेडीज़ होती है उनके कपड़े पहनने के तरीके क्या होते हैं, कई बार जगह नहीं होता, कहीं भी कपड़े चेंज कर लेती है और किसी को पता भी नहीं चलता तो गाउन जब आप देखो, गाउन अब यंग जनरेशन गाउन पहनना ही नहीं चाहती, लेकिन गाउन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, गाउन सोने के लिए बहुत रिलैक्स है। नहा के जब आप आते हो तो गाउन पहन के आप बाहर आ सकते हो। इसी तरह से गाउन आप जब उतारो तो उतारने के बाद उसको बिल्कुल सर से उतार के अलग मत करो उसको जो है उतारने के बाद डायरेक्ट चेस्ट पे ले लो, मतलब ढक लो। पहले किसी कोने में जाओ जहाँ पे कैमरा ना हो, वहाँ पे अपना मुंह कर लो, चेस्ट पे ढक लो, उसके ऊपर से कपड़े पहनो और फिर अपना टॉप जो भी है वो पहनो। तो इस तरह से आप जो है इन कैमरों से बच सकते हो। कपड़े बदलते वक्त भी आपको यही करना है, बाथरूम में भी आपको यही करना है, पॉटी के टाइम पे क्या करना है मुझे नहीं पता। ओके अगर कोई ऐसे वीडियो देखेगा अभी तो क्या करेगा ओके तो उसको मुबारक ऐसे वीडियो, अगर वो किसी की पॉटी देखना चाहता है तो दैट्स ओके। मैंने मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं लेडीज से ये चीज़ शेयर करूं, बट हाँ मैं भी शर्माती हूँ तो मैं बता नहीं पाती थी। आप ये ज़रूर फॉलो करो और आज बहुत सुकून का दिन है मेरे लिए। कुछ चीज़ें शेयर इस वक्त नहीं करूँगी, बहुत बड़े सीक्रेट नहीं है और बस दिन मेरा आज सुकून का है, आज मैं दिन भर बाबा के साथ रह सकती हूँ तो ये अच्छी बात है। लेकिन बॉडी पेन की वजह से सोती रहती हूँ रात को मैंने आरती अटेंड की थी, बड़ा अच्छा लगा मुझे रात की आरती, फिर मंचूरियन खाए। मैंने सोचा यार बहुत दिन हुए मंचूरियन ही नहीं बनाए, फिर मंचूरियन खाए,
अब कौन सी डिश ट्राई करूँ? आप देखो, नूडल्स खाऊं? नहीं, पता नहीं क्या खाऊं, वही घर पे मैं खाना बनाती नहीं। मैं छोटे शहर में रहती हूँ, टाइम मिलता नहीं खाना बनाने को। अच्छा, बनाऊं तो भी मेरा कंसंट्रेशन नहीं रहता। कहते हैं कि जिसके थर्ड हाउस में नेपच्यून होता है ना, वो इंसान बस ख्यालों में ही खोया रहता है। तो मेरी यही हालत है, मेरा ट्विन भी मैंने ऑब्जर्व किया है, वो भी ख्यालों में खोया खोया रहता है। तो जिसकी वजह से आई थिंक, ये किसी और वीडियो में भी सुना था, अवेकनिंग के बाद किसी एक डिवाइन फेमिनिन ने कहा कि मैं, पता नहीं मुझे ऐसा लगा कि मैं अब फिर पहले जैसे खाना बना पाऊँगी या नहीं। हाँ, मेरे साथ भी ये हुआ है। अब खाना बनाने में मेरा मन नहीं लगता, आई डोंट नो क्यों। पहले मैं बहुत बनाती थी, बहुत ज़्यादा बनाती थी, बट अब जो है पता नहीं गैप पड़ गया, क्या हो गया। गैप नहीं, बट एक एनर्जी ही हिल गई, कंसंट्रेशन की एनर्जी ही हिल गई। सब कहते हैं अवेकनिंग के बाद बहुत सारी स्पिरिचुअल चीज़ों में मन लगता है, बट ये गलत है कि एक डिस्कनेक्ट हो जाते हो, एकदम आत्मा आपकी जो है टूट के बिखर जाती है, सोल शॉक लगता है। ऐसे में कहाँ से कंसंट्रेशन होगा? ज़बरदस्ती मेडिटेशन करना भी ठीक नहीं है। मैं बहुत दिनों से एक बात बतानी चाहती थी डिवाइन फेमिनाइंस को। आप अब जब जानते हो कि इस जर्नी में आए हो और इनर वर्क शुरू कर देते हो, जबकि फैक्ट ये है आपका पुनर्जन्म हुआ है, आपकी सोल को इतना ज़बरदस्त शॉक दिया जाता है, और ये पहला शॉक नहीं रहता, बहुत बार तो एक लास्ट शॉक जो आपको मिलता है उससे आप बिखर जाते हो। तो ऐसे में सबको अपने आप को समेटना चाहिए, जितनी हो सके उतनी अच्छी नींद लेनी चाहिए, फूड अच्छा खाना चाहिए, क्योंकि बहुत हेल्थ वाइज। और चाय कॉफ़ी की, शराब के एडिक्शन में मत पड़ना। मैं खुद चाय की एडिक्टेड हो गई थी, मेरे मेमोरी लॉस हो चुका था, मैं इतनी चाय पीने लगी थी। जब मुझे पता चला कि ये और चाय, जो ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीते हैं उससे मेमोरी लॉस हो, आई थिंक मैंने कॉफ़ी कुछ दिन पहले ज़्यादा पी ली थी, शायद उसी की वजह से लो तो नहीं हो गया मेरा बीपी। तो जो भी है, और बात करना चाहती थी, थका थका सा महसूस कर रही हूँ, बॉडी में पेन है। अब जाऊँगी, कुछ खाऊँगी, बाबा के पास जाऊँगी, मोबाइल ठीक करवाऊँगी, मतलब मुझे वो पोर्ट करना है, एयरटेल से मुझे जियो में कन्वर्ट करना है, ताकि इनकम बिल ना भी भरूँ तो इनकमिंग कॉल आते रहे, रुके नहीं, क्योंकि मैं किसी को कॉल नहीं करती, तो मैं मेरा रिचार्ज भूल जाती हूँ या करती नहीं जानबूझ के कभी कभी, क्योंकि कॉल किसी को करती नहीं है तो क्यों रिचार्ज करूँ। तो और मैं वाईफाई चला हुआ है घर पे, तो बस ये क्या होता है कि एयरटेल का बिल ना भरो ना, तो वो आपके जो कॉल्स आने हैं उसको स्टॉप कर देते हैं, और नेटवर्क इतना स्लो है। देखिए, मैं अब बाहर भी जा रही हूँ तो वीडियो पोस्ट कर पा रही हूँ, जियो का है इसलिए, बट पहले जो था एयरटेल का करवा रही थी तो इतना स्लो नेटवर्क, इसलिए मैंने सोचा मैं पोर्ट ही करवा लेती हूँ, उसको कन्वर्ट कर देती हूँ एयरटेल से जियो में, ताकि इनकमिंग्स भी आते रहे, इंटरनेट भी फास्ट चलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू, आप भी शिरडी ज़रूर आना। और मैं चाहती हूँ अपने उन सभी नियर डियर्स के लिए कि मैं उनको शिरडी में मिलूं, और अगर आप मुझे शिरडी में मिलना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, तो बताइए। अगर ज़्यादा लोग होते हैं तो मैं ज़रूर कुछ ऐसा अरेंज करूँगी, अपने सोलमेट जितने भी मेरे अभी फ्रेंड्स सोलमेट है उनकी भी मदद लूँगी अरेंज करवाने में। मुझे मैं बहुत स्लो हूँ, अकेले शायद मैं वो सब मैनेज ना कर पाऊँ। ओके दोस्तों, थैंक यू, लव यू।